केंद्र से शहर के कई इलाकों में पानी सप्लाई की जाती है, जबकि उसी जगह पर नगर पालिका की तरफ से कचरा डंप किया जा रहा है। इससे पाइपलाइन के पास पसरी गंदगी की वजह से पानी दूषित हो रहा है और आम लोगों को बीमारी का खतरा बना रहा है। इसके पीछे ये भी है वजह कि नगर पालिका की सुस्ती, जो बीते कई सालों से शहर के कचरे को डंप करने की दूसरी जगह नहीं ढूंढ पाई है। नगर पालिका जहां भी कचरा डंप करना चाहती है वहां स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिलहाल फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास ही सारा कचरा डंप किया जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों का कहना है कि यहां पर लगभग 3 महीने से शहर के वार्डों से निकलने वाला कचरा डंप किया जा रहा है, जिसके कारण दफ्तर में पूरा बदबू फैल जाती है और मुंह ढककर 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। यहाँ क्या है, बदबू में हम लोग बहुत परेशान है, किसी की तबीयत खराब हो रहा है और कुछ हो रहा है, इस वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। कब से डंप हो रहा है कचरा यहाँ पर? ये करीब तो लगभग 1-1.5 महीना करीब। अभी क्या स्थिति है फायर ब्रिगेड? यहाँ तो स्थिति बहुत बुरा है। बार दो कई वर्षों से आवेदन दिया है कि हमें कोई भी निर्धारित स्थल प्रदाय किया जाए जिसमें हम कचरा डंप करके उसको उपचार कर सकते। अब वो बहुत छोटा जगह, वहाँ पर उपचार नहीं किया जा सकता, उसको कोई कम से कम 1 से 2 एकड़ जमीन चाहिए जिसमें उसको डंप करेंगे, उस फिर उसका पानी सूखेगा तो फिर उसको उपचार करेंगे, फिर उसमें केमिकल। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुशील सलाम जुड़ चुके हैं कांकेर से, संवाददाता। सुशील, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो कचरा डंप करने के लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड दफ्तर के पास ही कचरा डंप किया जा रहा है और उसकी वजह से वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को काफी दिक्कत हो रही है, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है नगर निगम? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पूरे देश भर में स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाई जा रही, वहीं दूसरी ओर देखे जाए तो कांकेर नगर पालिका खुद कचरा अपने कार्यालय में डंप किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार तो विरोध कर चुके हैं। और इससे पहले भी MG वार्ड में डाला जा रहा था, वहाँ के स्थानीय रहवासियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किए, जिसके बाद नगर पालिका ने वहाँ कचरा डालना बंद कर दिया, जिसके बाद अपने फायर ब्रिगेड ऑफिस है वहाँ पर कचरा डाल रहा है, जिसके चलते वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी हैं जो खासा परेशान हो गए हैं। खासकर वहाँ बदबू इतनी फैली रहती है कि वहाँ बैठना भी दुभर हो गया है। और नगर पालिका अधिकारी से हमने जब इस संबंध में पूछा कि वहाँ कचरा डंप किया जा रहा है, तो उनका साफ यह कहना है कि नगर पालिका और प्रशासन मिलकर कई बार जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यह फायर ब्रिगेड ऑफिस में डाला जा रहा है। और उनका साथ ही यह भी कहना है कि जब तक जगह नहीं मिलेगी तब तक यही कार्यालय में ही डंप किया जाएगा। नहीं तो नगर निगम क्या वैकल्पिक व्यवस्था देख रहा है? उनको लगता है कि शहर के बाहर कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें जो कचरा डंप किया जा सके? बिल्कुल, शहर से बाहर ले जाने के लिए मैंने जो कलेक्टर से उन्होंने जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी साथ एक्सप्रेस स्पेशल फिलहाल देखते हैं, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।